तो गाइस आज मैं सिखाने वाला हूँ दशमलव का गुणा कैसे करें, मतलब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, वो भी आसान विधि से एकदम सिंपल। दोस्तों आप बस दो चुटकी बजाएंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप दशमलव का जोड़ दशमलव का घटाव करने नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी वीडियो देखिए, बहुत हेल्प करेगा मैथ का ये सब आप जानने के। और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपका भाई रोज एक वीडियो देता है आपके लिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपका ये जैकेट पसंद आ रहा है, दोस्तों ये जैकेट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट से कैसे ऑर्डर किया जाता है देख लीजिए, और फ्लिपकार्ट में मैंने इसे ही ऑर्डर कर लिया, आप भी ऑर्डर कर लीजिए। ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत ठंड लग रही है, ये पूरा रोईदार है। और अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखनी है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिए। इस पूरे जैकेट का मजा आप भी ले सकते हैं सिर्फ 600 में। तो चलिए पॉइंट कहते हैं दोस्तों, डेसिमल मल्टीप्लीकेशन यानी दशमलव का गुणा। तो चलिए दशमलव का गुणा सीखते हैं। दोस्तों दशमलव का जोड़ नहीं आता घटाओ तो आप लिख दीजिए सुनना। तो दशमलव गुणा कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन आपको हार्ड तक भी जाना होगा, ध्यान से देखिए 9.38, 8.37, ठीक है। तो आपको सीधे यहाँ पे उतारना है 9.38, 8.37, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करना है आपको मल्टीप्लाई इससे 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 इससे, जैसे आप मल्टीप्लाई तो जानते हो, मल्टीप्लाई नहीं आता, मल्टीप्लाई भी नहीं आता है सर, मल्टीप्लाई आता होगा दोस्तों, याद कीजिए। सिंपली आपको आसान जो भी मल्टीप्लाई उससे आपको यहाँ पे करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 8 × 7 यानी 56, 56 × 6 हाथ में रहा 5, 7 × 21 5, 26 × 6 हाथ में 2, 27 × 2 29, ठीक है दोस्तों। ये हुआ हमारा इसका, अब इसको करने के बाद 16 × 3 = 24 यहाँ से लिखेंगे दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, जैसे दशमलव में गुना करेंगे यहाँ पे जितना अंक बचेगा उसमें हम 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हो तो आप 0 ऐड कीजिए, नहीं तो जैसे जब करते हो वैसे कीजिए। नॉर्मल बनना चाहते हो तो 0 ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको विद्वान बनना है तो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया 8 × 3 = 24 हाथ में रहा 2, 3 × 3 = 9 2 = 11 1 हाथ में 1 × 9 = 27 1 = 28। दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे डेसिमल है, डेसिमल को भूल जाना है, आपको मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। यहाँ दोस्तों डेसिमल को भी भूल जाना है, डेसिमल का कोई मायने समझिए 937 से 837 में गुना करना है। आपको सिंपली वैसे ही गुना करते रहना है, आपको डेसिमल के यहाँ कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लास्ट में पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो सिंपली आप यहाँ से हो सकता है आप ये भी पॉइंट के लिए आप इसको करते हैं, जीरो हाथ मेरा 3 × 9 = 72 3 = 75, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बचा तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब जोड़ना है कैसे, वैसे ही जोड़ना है जैसे गुणा में किया जाता है, सेम वही जोड़ो ना। डेसिमल कहना है वो मैं बताऊंगा, अभी वो ऐसे ही करना है जैसे सिंपल गुना होता है, आसान वाला गुना, सामान्य गुना। तो सिंपली 6 × 6 = 6 × 4 = 10 0 × 9 = 10 4 = 14 15 के 5 हाथ में 10 × 1 = 1 एक हाथ में 2 × 7 = 1 8 और 7 × 7, ठीक है दोस्तों। ऐसे करना है आपको मल्टीप्लाई। अब पॉइंट देखिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, पॉइंट आना है, पॉइंट को लाना है। अब पॉइंट कहाँ लगे, मतलब डेसिमल दशमलव कहाँ लगेगा ये ध्यान देखिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि पहले अंक में देखिए, पहले अंक के बाद कितने है अंक, ठीक है दोस्तों, पहले अंक के बाद कितने अंक है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जैसे पहले अंक के बाद 2 अंक है दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक, और इसके बाद उसके सेकेंड वाले में कितने अंक है दशमलव के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 अंक और 2 अंक 4 अंक हो गया। अब इस दोनों को ऐड करना है, 2 अंक और 2 अंक हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे अगर 9.3 यानी 9.3 रहता है, आप इसको अगर छूटते तो यहाँ पे 1 होता है, 1 अंक डेसिमल के बाद 1 अंक, और इसके बाद 2 अंक, तो यहाँ पे 3 होता है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दशमलव के बाद हमारा 4 अंक है। तो आपको यहाँ से दोस्तों आपको 4 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, यहाँ से दोस्तों राइट से देख सकते 1 2 3 4, ये हमारा 4, उसके बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 है तो हम यहाँ पे इजीली दशमलव लगा सकते,
यहाँ पे अगर तीन होता तो हम यहाँ पे लगाते, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक और दो तीन, ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब चलते थोड़ा हार्ट की तरफ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 99.38 × 0.7 99.38 × 0.7, ठीक है दोस्तों, ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले ये जानिए, आपको सिंपली उसको उतारने की, हाँ ये ध्यान रखिएगा इसको उतारना कैसे वो भी ध्यान देखिए। जैसे कि 99.38 तो आपको वैसे ही लिखना 99.38, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 0.7 तो आपको यहाँ पे लिखना है जीरो, ठीक है, यहाँ पे जीरो लिखना है और सात दशमलव बीच में लगाना है। हम कहे थे गुणा में करने के लिए दशमलव को आपको ध्यान नहीं देना है, आप समझिए 9938 को 07 में गुणा करना है। आप डेसिमल वहीं पे लगाइए, जैसे 8 के नीचे 7 होगा तो वही होगा, 3 के नीचे 0 तो 0 होगा, डेसिमल आप बीच में ऊपर नीचे कहीं लगाइए, यहाँ पे अभी डेसिमल का कोई फायदा नहीं होगा, डेसिमल आपको लास्ट में दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो सिंपली इसको भी सरल तरीके से गुणा कीजिएगा, तो 8 × 56 = 5 7 21 × 5 = 26 × 2 9 × 3 = 5 9 × 3 = 5, हाँ सर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक अंक छोड़ा था, यहाँ पे जीरो लगाना है, ध्यान रखिएगा 8 × 0 = 3 × 0 = 9 × 0 = 9 × 0 = 6 × 6 = 5 8 × 6, ठीक है दोस्तों, ये हमारा होगा आंसर। अब जानते हैं डेसिमल कहाँ लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो हम तो बता चुके हैं राइट हैंड साइड से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना दशमलव का गुणा। देखिए दशमलव के बाद सबसे पहले देना है दशमलव के बाद कितने अंक है, तो पहले वाला में दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 और 8 2 अंक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट वाला में दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी 2 अंक और 1 अंक को ऐड करेंगे तो 3 अंक, यानी दशमलव के बाद समझिए 3 अंक है। तो आपको राइट से यहाँ से आपको सेम 3 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है, जैसे 1 2 3 आपको यहाँ पे दशमलव लगाना है, 3 अंक है तो 3 यहाँ पे दशमलव लगाना, उसके बाद आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये था बेसिक, आपको तो समझ में आ चुका होगा। अब चलते इससे भी हार्ड, और अब एक, हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन दे तो आप सॉल्व कीजिए कॉपी पे, चाहे तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए दोस्तों, पॉज करके ये सॉल्व कीजिए, तब देखेंगे आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वो हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए सबसे पहले, उसके बाद ही वीडियो को चालू कीजिएगा यानी रिज्यूम कीजिएगा, पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर आपको सच में सीखना है तो सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा आप सही सॉल्व किए थे या गलत किए थे, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सही किए थे गलत कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है दोस्तों, आप सॉल्व कर चुके होंगे, आप सॉल्व किए थे कि नहीं वो तो आप जाने और आपका काम जाने, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और चेक कीजिएगा सही किए थे या फिर नहीं और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन 873.9 × 0.3, तो हम लोग सिंपली वही करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 873.9 और यहाँ पे दोस्तों 0.3, ठीक है दोस्तों, यानी समझ लीजिए यहाँ पे अभी दशमलव नहीं है, तो आप कैसे लिखते, दशमलव नहीं रहता दोस्तों, तो ऐसे लिखते 873.9 से, ठीक है ऐसे लिखते अगर दशमलव नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पे भी यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, यहाँ पे भी आप वैसे ही लिखिएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखने का विधि हो गया, आपको वैसे ही लिखना है, बस आपको पॉइंट लगा देना है, चाहे तो लगाए या फिर नहीं लगाए ये आपके ऊपर है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, आपको करना है मल्टीप्लाई, आसान विधि से वही आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 × 9 = 27 के साथ 2 × 3 = 9 और 2 = 11 एक हाथ में रहा है 1 7 = 21 1 22 = 2 8 = 24 2 = 26, ठीक है दोस्तों। ये हुआ ऊपर का, आप 0 से करते हैं तो 0 का मान 0 होता है 0 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे खाली होते हैं, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको करना है सिंपली वही ऐड, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जोड़ करने के बाद आपको तो बता ही होंगे कि कैसे करना है, डेसिमल कहाँ लगाना है गिनकर, जी हाँ दोस्तों, डेसिमल यानी दशमलव के बाद कितने अंक है
आप उसको पहले गिन लीजिएगा, उसके बाद ही आप दशमलव में दशमलव लगाइएगा और वो दोनों को गिनकर ऐड करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दशमलव के बाद एक नौ है, एक अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यानी दोनों दोस्तों दोनों में दशमलव के बाद एक ही अंक है, मतलब एक है एक है, तो एक और एक अगर हम इसमें एक प्लस एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा दो, इसके बाद एक अंक और इसके बाद एक अंक, यानी दशमलव के बाद कितने अंक हुए, दो अंक। तो आपको यहाँ से राइट हैंड एक दो, दो के बाद कर देना है पॉइंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ दोस्तों सिंपल है, ये हो गया आपको आंसर। तो दोस्तों समझ गए, अब चलिए तो बेसिक चलते हैं। दोस्तों वो तो था बेसिक, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों, जैसे कि 99.3437 ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है, दशमलव से कुछ नहीं मिल सकता और दशमलव के बाद भी कुछ नहीं मिल सकता। तो आपको क्या करना है, वही करना है आपको, पहले तो गुणा करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है 99.3473 और इन दोनों में कर देना है, इन दोनों में कर देना है, ठीक है दोस्तों। आप दशमलव वही लगा दें, 99 के बाद तो 99 के बाद, 7-3 के पहले तो 7-3 के पहले, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको गुना करना है, तो आप कर लीजिए यहाँ पे, सिंपली आप गुना कर लीजिए। तो मैं भी सिंपली गुना कर लेता हूँ, दो आठ तीन ग्यारह नौ और पांच चौदह और एक इसका पंद्रह के पांच नौ ग्यारह बारह के दो छह एक सात आपको ऐड करना है। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक है, अब यहाँ पे सर भाई यहाँ तो दशमलव इसके बाद तो अंक है, पर दशमलव से पहले तो दशमलव से पहले अंक रहे ना रहे उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, दशमलव के बाद कितना अंक है उससे हमको फर्क पड़ता है। और हाँ एक और क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, जिसमें ये दशमलव नहीं रहेगा इससे और इससे रहेगा, यानी 99.3473 वो भी देख कर ही जाइएगा, थोड़ा वीडियो लंबी है तो सॉरी आप पूरा सीख जाइएगा। तो इसको क्या करना है, दशमलव के बाद कितने अंक है, दो तीन चार दो, दो प्लस दशमलव के बाद यहाँ कितने के, यहाँ भी दो है, दशमलव से पहले कुछ रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद कितने है, दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सिंपली दो लिख सकते हैं, ठीक है, तो दो और दो चार, क्योंकि यहाँ पे दो और दो को चार जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड से एक दो तीन चार, चार के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों चार के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और हाँ दोस्तों यही बता देता हूँ, वीडियो लंबी नहीं होगी, अगर आपको जैसे कि 73 है, अगर यहाँ से दशमलव हटा दिया जाए, जैसे हटा दिए तो भी आंसर यही आएगा दोस्तों, यही आएगा। आप पूछे कैसे, क्योंकि दोस्तों जैसे यहाँ पे दशमलव बाद दो है तो दो, और यहाँ पे दशमलव नहीं है, एक बात याद रखिए कोई भी अंक में अगर दशमलव नहीं है तो हम मान सकते हैं वहाँ पे जीरो दशमलव है, ठीक है, हम मान सकते हैं यहाँ पे जीरो है और दशमलव तब तिहत्तर है, मान सकते हैं, मानने में क्या होता है, तिहत्तर से पहले दशमलव है हम मान सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो नहीं आएगा तो हम मान सकते हैं। मानने के बाद सिंपली आपको वही गुणा करना है, उसके बाद यहाँ पे दशमलव बाद दो अंक और यहाँ पे दशमलव बाद दो, तो दो दो चार और यहाँ से चार के बाद दशमलव लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर, बस सिंपल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिल सके। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा। और हाँ ये जैकेट को खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वीडियो देख लीजिए फ्लिपकार्ट का और इसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अनबॉक्सिंग वीडियो भी इसका देख लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।